एक्सपर्ट पूजा, दिस इज मी योर पूजा एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो गाइस। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा इको सुनने को मिलेगा एंड उसके लिए मैं सबसे पहले माफी चाहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी होम डेकोर अमेजन होम डेकोर हॉल पार्ट टू एंड मे बी दिस विल बी द लास्ट पार्ट, क्योंकि इसे और एग्जैजरेट करने की एक इच्छा नहीं है मेरे में। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैंने सोचा कि चलो एक कॉम्पैक्ट वीडियो एक बार में ही शूट कर लेते हैं एंड सब कुछ शेयर कर देते हैं। तो या आज की वीडियो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने मेरी फर्स्ट जो अमेज़न होम डेकोर हॉल थी उसमें कहा था कि इसकी जो सेकेंड पार्ट होगी वो पर्टिकुलर फर्नीचर के ऊपर होगी एंड जो थर्ड पार्ट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जितने भी सारे यू नो गैजेट्स काइंड ऑफ स्टाफ लिया है उसके ऊपर होगी। बट अभी सब कुछ एक साथ ही मैं कॉम्बाइन कर रही हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं फर्नीचर के साथ। इज द बैकग्राउंड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शेल्फ। बेसिकली ये एक 5-layered कॉर्नर शेल्फ है। मैंने जब इसको देखा था मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्वालिटी देखते ही बहुत प्रीमियम लग रहा था। सेकेंड है इसका प्राइस। बाय द वे, जो भी मैं दिखाऊंगी आज वो सभी के सभी अंडर बजट है, ठीक है। मैंने इसका प्राइस देखा, मैंने इसकी हाइट देखी, मैंने कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स देखा, डाउज लेकिन मुझे ये चाहिए। इसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ सजा के रख दिया है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड प्राइस के हिसाब से मुझे लगा कि घर से जाने के लिए एक एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है ये। इसको परचेज किया था, इसका प्राइस पड़ा था कुछ 2000 के अंदर अंदर, ठीक है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाय द वे, ये एक अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है, नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो कुछ भी ऐसा मत सोचना कि मैं स्पॉन्सरशिप के लिए कह रही हूँ या फिर बोल रही हूँ। जो भी मैं दूंगी रिव्यू, मतलब ऑनेस्ट सच्ची वाली रिव्यू दूंगी। उसके बाद मैंने लिया है एक छोटा सा शेल्फ एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। बेसिकली ये एक प्लांट शेल्फ है। आप इसमें यू नो इंडोर प्लांट रख सकते हो, आप अगर इसे चाहो तो आप छत पे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने प्रेफर किया है इस जगह पे रखना क्योंकि इसे मेरे लिए जो घर की ये वाली साइड है उसकी खूबसूरती यू नो इन्हांस हो जाता है। मैंने इसको परचेस किया था जस्ट 1200 और 1600 रुपीज़ में। बहुत दिनों पहले मैंने इसको लिया था तो मुझे प्रॉपर तरीके से प्राइजेस अभी याद नहीं है, तो उसके लिए भी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद बारी आती है इस सोफा की एंड इस सोफा के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है। अभी ये थोड़ा सा मेसी है क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर बैठ के काम करती हूँ अपना एंड मैंने एक बार शेयर भी किया था लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी वीडियो में इंक्लूड कर देते। तो मैंने अमेजन से इस सोफा को भी लिया था। ये 2-seater है, जो पिलोज आप देख रहे हो ये मैंने अलग से मंगवाए थे। इसकी जो कवर आप देख रहे हो जूट वाली कवर, इसको भी मैंने अलग से लिया था। इसका प्राइस मुझे कुछ पड़ा था 9999 रुपीज़। कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगा एंड ऊपर से इसको असेंबल करने के लिए एक जन आया था सर्विस देने के लिए उसके अगले दिन शायद, तो अराउंड 9 to 10 days के अंदर मुझे ये रिसीव हो गया था। बहुत अच्छी यू नो क्वालिटी में, अच्छी पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद बारी आती है मेरी सोफा के ठीक सामने ही है एक सेंटर टेबल एंड ये सेंटर टेबल भी मैंने अमेजन से लिया था। बहुत 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 डिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड अगर मैं बात करूँ प्राइस की, मुझे ना बहुत ही अफोर्डेबल बजट में एक सेंटर टेबल चाहिए था क्योंकि मैं ढेर सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ऑल्दो मुझे वही चीज़ करना पड़ा तो मैं चाहती थी कि एक बजट हो एंड उसमें ही मैं सब कुछ ठीक तरीके से ले पाऊँ, तो मैंने इस सेंटर टेबल को लिया एंड इसका प्राइस कुछ मुझे पड़ा था 2500 के अंदर एंड एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज भी लगा था। ऐसे में मैंने मतलब एक कैटलॉग दे दिया जाता है आपको, तो देख के आपको करना होगा। मुझे मेरी भाई ने कर दिया था एंड अगेन इट लुक्स सो डैम क्लासी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड। या तो भी आप एक चीज़ देख सकते हो एंड ये एक साइड शेल्फ है। सोफा के साइड में आप इसे बुक्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसे प्लांट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी फिलहाल इसमें छोटी छोटी करके यू नो जो फेक प्लांट्स आते हैं उसको रखा है एंड ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैं बहुत बुक्स एडिक्टेड नहीं हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। आई एम मोर इन टू मूवीज, मुझे वही देखना ज़्यादा पसंद है। मेरे पास उतने सारे बुक्स नहीं, जो भी मैं बचपन में किसी चीज़ में कॉम्पिटिशन में अगर पार्ट लेती थी, अगर जीतती थी या फिर स्कॉलरशिप वगैरह में क्विज कॉम्पिटिशन में, कुछ कुछ किताबें हैं मेरे पास जो कि यहाँ पे रखने लायक है नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज्ञानी किताबें हैं एंड मैं उस तरीके की वाइब नहीं चाहती हूँ कि अगर कोई आए ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन मेरी जॉनर में है नहीं। मतलब सभी के सभी इंटेलेक्चुअल है बट इन एन अदर वे आप कह सकते हो, तो अगर उस तरीके की रखूँगी तो
सबसे ज़्यादा वो लोग मुझे ही इस चीज़ को लेकर लिप पुडिंग करेंगे एंड वो मेरी तो मेरे साथ वो जाता भी नहीं है। अभी बारी आती है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इससे, ये एक इमरजेंसी है। बहुत सारे लोग शायद सोचोगे कि इमरजेंसी में मतलब क्या है, ये बहुत काम की चीज़ है। मेरे घर में अभी भी इन्वर्टर नहीं है, तो अगर कभी कभार लोड शेडिंग हो जाती है या फिर बारिश की वजह से यू नो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी देर तक बंद रहती है तो ये हेल्प करता है। जी हाँ, मैं अभी भी कभी कभार अंधेरे में रहती हूँ एंड दिस इज़ द पैक। तो ये मैंने लिया था फिलिप्स का, इसका प्राइस कुछ पड़ा था मुझे 1600 और 1700 का। या तो आपको इस सेक्शन में ये लोग बटन दिया जाता है एंड इस बटन की एक खासियत है, अगर आप इसे एक बार जलाओगे तो ये ऊपर वाली यू नो पार्ट जलेगा, फिर आप दूसरी बार जलाओगे तो ये वाली पार्ट जलेगा एंड तीसरी बार दबाने पे इसकी जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एंड आप इसे ऑफ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ चीज़ें बताती हूँ एंड क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके बाद मैंने लिया है छोटे छोटे फ़ैन मेरी इस जगह के लिए। अभी छोटी क्यों मैंने ली वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने लिया है ये बजाज की फोर ब्लेडेड फैंस को एंड सच में मैं जब ऑर्डर प्लेस कर रही थी मुझे पता नहीं था कि इसकी ब्लेड्स इतना ज़्यादा शॉर्ट आएगा, तो मैंने बस जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस किया एंड आया। हाई स्पीड का है लेकिन उसके नीचे अगर आप रहोगे तो सबसे ज़्यादा हवा आपको मिलेगा, अदरवाइज मतलब हम जिस सेक्शन पर हम लोग बैठते हैं वहाँ पे हवा नहीं आती है। तो बेसिकली ये हेल्प करता है अगर कोई बाथरूम से निकलता है, वहाँ पे ज़्यादातर मेरी जो छोटी वाली भाई है वही रहता है, तो जब भी मैं नहाने जाती हूँ या फिर बाथरूम जाती हूँ काफ़ी टाइम तक वहाँ पे बैठा रहता है तो उसको हेल्प करता है। एक मैंने यहाँ पे लगवाया है, एक मैंने इस साइड पे लगवाया है एंड ये वाली जो फैन मेरी ठीक सामने ही है, ये हेल्प होती है जब कोई पूजा के घर में रहती है, पूजा करती है या तो फिर कोई किचन में है काम वगैरह करती है तो हवा पहुँचती है उस जगह। तो ये दोनों फैन मैंने लिया है, एक एक का प्राइस मुझे पड़ा था कुछ 1600 टू 1700 के अंदर एंड दोनों मिला के शायद मैंने कॉम्बो में 3500 में लिया था, इफ़ आई एम नॉट दैट रॉन्ग। हाँ, तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि मैंने इन दोनों फैंस को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि जब ये आया था मैंने सील ओपन नहीं किया था, उसके डेढ़ हफ्ते बाद शायद इलेक्ट्रिशियन आया था इसे इंस्टॉल करवाने एंड जब आया तब हम लोगों ने नोटिस किया कि फैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा आया, बट फिर भी दिल में एक था कि हाई स्पीड है तो ठीक ही होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तब जाके पता चला कि हाँ इसमें उतना भी हवा नहीं है, तो तभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन का टाइम भी नहीं मिल रहा था तो मैंने अलग से उसे रिटर्न या तो फिर एक्सचेंज नहीं किया, क्योंकि इस सेक्शन में अलग से एसी लगने वाला है बहुत जल्द, तो कि ठीक है ये बस ऐसे ही रहे क्योंकि हर वक्त तो एसी ऑन नहीं रहेगा। उसके बाद जिस लाइटिंग पर मैं इस पूरी वीडियो को शूट कर रही हूँ, इस झूमर के बारे में बता दे रही हूँ, दिस इज़ सो डैम गॉर्जियस। मैंने इसको लिया है एंड इसमें आप टोटल 8 लाइट लगवा सकते हो। तो जब मेरी इलेक्ट्रिशियन ने कहा था कि कितने वॉट्स का लाइट आपको लगवाना है, तो उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया था कि आप 6 वॉट का लगाओ एंड आई वॉज लाइक नो, मुझे एक एक 9 वॉट्स की चाहिए। टोटल 72 वॉट्स की लाइट सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में, जिसकी वजह से मेरी ये जो पूरी ड्राइंग प्लेस है एकदम खिला खिला सा रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है मुझे ये चीज़। उसके बाद और तो स्टेटमेंट हैंगिंग झूमर मुझे आप लोगों को दिखाना है। एक मैंने लगवाया है जहाँ से मैं छत पे जाती हूँ उस सेक्शन में एंड दूसरी मैंने लगवाया है जहाँ से मैं नीचे जाती हूँ उस सेक्शन में। आप जगह को देखोगे तो आपको समझ में वो चीज़ आ जाएगा। तो मैंने इसको देखा था एंड देखते ही मुझे इतना पसंद आया कि मैंने दूसरी कोई और झूमर के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे चाहिए था कि मेरे घर के लिए जो भी सजाने के पीसेज हो वो थोड़ा सा स्टेटमेंट हो, थोड़ा सा क्लासी हो, ना कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ हो, क्योंकि हमारी जो नीचे वाली फ्लोर है वो ट्रेडिशनल है, तो ये वाले सेक्शन में मैं वो नहीं चाहती थी। तो मैंने दोनों झूमर को लिया, ऊपर वाली जो झूमर थी उसकी प्राइस कुछ पड़ी थी मुझे 1600 एंड नीचे वाली जो झूमर थी उसका मुझे प्राइस पड़ा था कुछ 1200 to 1300। बाहर मैंने जो पूछा था एक एक सिर्फ और सिर्फ एक वो चीज़ वो डायमंड जैसा एक चीज़ दे रहे थे उसका प्राइस मांग रहा था 800 तक एंड आई वॉज लाइक यहाँ पे तो मैंने बाजी मात कर ली, काफ़ी पैसा बच गया मेरा। तो मैंने इन दोनों को लिया है।
ऊपर वाली जो लाइट्स है उसका प्राइस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें अलग से आपको 3 बल्ब दिया जाता है, ठीक है, जो कि गोल्डन इन कलर में है। एंड नीचे वाली जो बल्ब आप देख सकते हो ब्लू इन कलर में, ये मैंने बाहर से मंगवाया था। उसके बाद बारी आती है ये छोटू सा टूल की। इसको जब मैंने देखा था मुझे तभी ये पसंद आया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा छोटा आएगा। मेरी हर एक वीडियो की बैकग्राउंड में मैं रखती हूँ इसे, मुझे अच्छा लगता है। एंड इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं था, मैंने जस्ट 399 रुपीज़ में इसको ख़रीदा था। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, जो इसकी जो लेग्स है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, बट ऑल दो 399 में अगर आपको इस तरीके की एक स्टेटमेंट कॉम्पैक्ट पीस मिलता है, आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। मैंने यहाँ पे लिया है मेरे लिए एक साइड लैम्प। ये मुझे लेने की बहुत दिनों से मन था, बहुत दिनों से, मतलब लिटरली आई मीन इट। जब मैं बहुत छोटी थी तभी इतना सब कुछ मैंने नहीं सोचा था, मेरे फादर ने भी नहीं सोचा था। एंड ये लाइक इट वॉज अ ड्रीम टू अस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो तभी से मेरी एक वो दिमाग में था कि मैं जिस बिस्तर पे सोऊंगी उसकी साइड में एक लैम्प होगी जिसे मैं जलाऊंगी, ऑफ करूंगी, एक ख्याल आता था। तो उसी चीज़ को मैंने पूरा किया, मैंने इस लैम्प को लिया। एंड इस लैम्प में ही और भी वैरायटीज़ आपको मिलेगा, उसकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मुझे पड़ा था जस्ट 1098 और 1100, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने जब देखा मैंने तभी इसको पिक कर लिया था। इसके साथ आपको बल्ब अटैच्ड मिलता है। एंड एक ही बस इसमें प्रॉब्लम है कि आपको अलग से कोई स्विच नहीं मिलता है जिसे आप बंद करके लाइट को ऑफ कर सकते हो, जिसे आप ऑन करके लाइट को जला सकते हो। तो बस एक ही प्रॉब्लम नज़र आई, अदरवाइज लाइक उड़ पाए। देन मैंने लिया है मेरी दोनों रूम्स के लिए ही फ़ैन, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चाहिए था। हमारे घर में आप जब भी आओगे ना, आप कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हर जगह एक फ़ैन नज़र आएगी हमारे पास। मतलब सभी जगह पे लगवाने के बाद भी एक्स्ट्रा 3-4 फैंस हैं, क्योंकि पापा को गर्मी लगता है, मेरे जो दोनों बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो ये दोनों बड़ी वाली फ़ैन मैंने लिया है। एंड इसका भी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आया, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी रूम में एसी है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है नज़र, लेकिन मम्मी पापा के रूम में प्रॉब्लम होती है। आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा गर्मी होने लगती है एंड फैन की स्पीड अलग से नहीं रहती। तो ये दोनों फैंस को मैंने लिया था एंड एक एक का प्राइस मुझे पड़ा था 2700 रुपीज़। उसी वजह से ख़राब लग रहा है कि इतने पैसे देने के बाद भी जो फ़ैन है वो अप टू द मार्क या तो फिर जो एक्सपेक्टेशन है उस पर वो खरा नहीं उतर पाया। गाइस मुझे रात में जितना भी याद आया इस रात के 12:30 बजे मैंने वो शेयर किया। अगर मुझसे कुछ छूट जाती है देन मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो फिर कभी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एंड आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो हॉल था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप किसी और तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताना। एंड जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन हम लोग एक अमेजिंग सा वीडियो शूट करने वाले हैं, जो कि आपको शायद कल परसों तक देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ी सी टाइम ले रही हूँ क्योंकि इसकी एडिटिंग में मुझे मेरा 100% देना है, दैट्स इट। तो जब आएगा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी इस वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।